अस्सलाम वालेकुम। तो ये हो चुकी है मेरी सुबह की शुरुआत, और सुबह की शुरुआत होती है इस खूबसूरत से मौसम के साथ। मैंने सोचा क्यों ना आज इस्लामाबाद का वेदर आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। आप लोग के सिटीज़ का वेदर कैसा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आज मैं पहुँच चुकी हूँ ऑलमोस्ट अपने ऑफिस, और ऑफिस पहुँचते साथ ही मैंने जल्दी से अपनी टी बॉय को कहा मुझे चाय ला दे, क्योंकि मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। और ये जो बाप उड़ाता हुआ कप है, इसको देख के इंसान अपने सारे गम भूल जाता है। और सुबह सुबह जब ये चाय पी लेता है तो उसके बाद काम सारे बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद हमने कुछ कस्टमर्स डील किए। हमारी ब्रांच में कुछ अच्छे कस्टमर्स भी ऑब्वियसली आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं। हर कस्टमर हर तरह का होता है, लेकिन एक टिप है जो इंसान को बहुत अरसे के बाद समझ में आती है कि लोग अच्छे हों या बुरे, आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए अपने मूड से, और अपना मूड इंसान को हर टाइम अच्छा रखना चाहिए। अगर कुछ बुरे लोग आपके साथ ज़िंदगी में आपको मिल भी जाते हैं, कोई थोड़ी देर के लिए भी मिल जाते हैं, तो उसके लिए अपने 2 मिनट भी स्पॉइल ना करें इस चीज़ को सोच के कि हमने जो है इसने हमें ऐसे कह दिया या हमने उसे वैसे कह दिया, क्योंकि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपकी खुशी से। और हमने अपनी खुशी खुशी में मंगवा ली ये कराची बिरयानी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हाई पीरियड थी। और कराची, ये वैसे भी आपको पता है कि नाम से ही जो है ना एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है, तो यहाँ पे कराची बिरयानी आ चुकी थी और ये मेरी फ्रेंड इसको प्लेट्स में निकाल रही थी सबकी। अच्छा, कराची बिरयानी की मैंने बहुत ज़्यादा हाइप सुनी थी कि बहुत अच्छी है। टेस्ट करने से पहले जो है मुझे ये जब मैंने मंगवाई तो मुझे बहुत रीज़नेबल लगी, क्वान्टिटी भी इसकी अच्छी थी, और उसके अलावा जो है ये देखने में भी मज़े की लग रही थी। तो ये हमने कोई डबल बिरयानी मंगवाई थी सबने। और यहाँ पे ये जो है अब हम इसको अपनी प्लेट्स में निकाल रहे हैं, निकालने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन कराची बिरयानी जो है आप सबने भी ओबियसली खाई होगी और हर जगह ही मिल जाती है, तो मैंने इस्लामाबाद के अंदर इसको ट्राई किया। आपने किस सिटी में ट्राई किया, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, ये अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जो है इसको निकाल चुके हैं तीनों प्लेट्स के अंदर, और अब हम जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें नमाज़ ज़ोहर अदा करनी थी। आज जुमे का दिन था और ब्रेक के बाद हमने नमाज़ भी पढ़नी थी, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी से खाने को वाइंड अप करते हैं, ताकि नमाज़ जो है वो टाइम पर हम अदा कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि ये तो सब दुनियावी चीज़ें हैं और दुनियावी बातें हैं, हकीकी तो कोई यार वहीं रहना है। तो उसके बाद हमने ये खाना खा लिया था जल्दी जल्दी, और खाना खाने के बाद ये जो है हमारा टी बॉय आ चुका था इनको बर्तनों को समेटने के लिए। उसने जल्दी जल्दी इन बर्तनों को समेट लिया, और मेरे को समेटा खाने का कुछ नहीं था, तो मैंने पीनट पिक से ही अपनी क्रेविंग्स को ख़त्म किया। उसके बाद ये मेरी फ्रेंड बैठी मुझे दिखा रही है अपने सवायर के बिल्स के, कह रही है यार देखो पिछले साल की नस्बत कितनी महंगाई हो चुकी है। और मैं यहाँ बैठी खड़ी की तक रही हूँ कि कब ये टाइम गुजरेगा और मैं घर जाऊँगी, और घर पहुंच चुकी हूँ। और घर पहुंचने के बाद हमने खेली थोड़ी सी लूडो। लूडो खेलने के बाद मैंने सबके लिए अच्छे से चाय बनाई, और उसके बाद हमने थोड़ी सी आग जलाई, क्योंकि जो मज़ा इस आग के पास बैठते हैं वो हीटर्स में कहाँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।